और कपिल जी बधाई हो आपको विवाह की। दिल से बधाई दे रहे हैं कि आप मजाक उड़ा रहे हैं? बिल्कुल नहीं, हाथ से कभी पता नहीं चलता कि बधाई दे रहे हैं कि कारण ये है कि आपको शुभकामनाएं इसलिए कि मुझे मेरी शादी में जी सिर्फ 10 ग्राम की गिन्नी मिली थी। तो अरुण जी को आप सब जानते ही हैं जी, और मैं ये भी बता दूं कि हरियाणा से हैं और मैंने देखा कि हरियाणवी लोग बड़े प्यारे होते हैं, बड़ा उनका सेंस ऑफ ह्यूमर बड़ा अच्छा होता है, लेकिन भड़क भी जल्दी जाते हैं। पर अरुण जी को जब भी देखो इनके चेहरे पे हमेशा एक स्माइल रहती है। अरुण जी, इसके पीछे क्या राज है? दरअसल क्या है, गुस्सा पंजाब और हरियाणा एक जैसा ही है जी। शादी से पहले आपको भी आता था। एक ही लाइन में आपने बात खत्म कर दी। अच्छा अरुण जी, आप इतने हाजिर जवाब हैं, तो सर आप केबीसी में क्यों नहीं जाते? उधर तो हर जवाब होगा आपके पास। वहाँ वो सवाल ऐसे हैं कि उस पर हाजिर जवाब भी नहीं हो सकती। अच्छा। जी ज्ञान वाली बात है ना, ज्ञान से कोई मतलब नहीं जी। हरियाणा का आदमी ना ज्ञान देता ना लेता, ना लेता। एक बार हमने कुरुक्षेत्र में भगवान कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया था, उसके बाद से बंद कर दिया। भाई जिसने कृष्ण जी से ज्ञान ले लिया हो उसे और क्या ज्ञान की जरूरत, वो बाकियों से ज्ञान लेके क्या करेगा? बिल्कुल बिल्कुल, इसमें कोई बोल रहा है नहीं। प्रदीप जी की बहुत सारी कविताएं हमने सुनी है सर, मैंने हमेशा आपको यूट्यूब पे आपके वीडियोस देखे हैं, तब आपकी मूंछें भी हुआ करती थी बीच बीच में। अच्छा लोग इनको हमेशा वजनदार कवि बोलते हैं, प्रदीप जी ऐसा क्यों, आपको वजनदार कवि क्यों बोलते हैं? वजनदार कवि इसलिए बोलते हैं कि अब केवल वजन ही रह गया है। ऐसे क्यों सर? कविता में तो वजन खत्म हो गया। सर आपकी कविता में भी बड़ा वजन है और ये तो आपका बड़प्पन आप ऐसा बोलते हैं। प्रदीप जी और अरुण जी दोनों ही हास्य कवि हैं, लेकिन सर अपनी नॉलेज के लिए पूछ रहा हूँ कि जैसे कॉलेज स्कूल में हम लोग पढ़ते हैं जब भी, तो लड़कियों को वो रोमांटिक कविताएं बड़ी पसंद आती हैं, तो आप कॉलेज में भी हास्य कवि थे कि रोमांटिक भी लिखते थे पहले? साहब क्या करें, रोमांटिक लिखने की तो इच्छा होती थी जी, मगर मुंह से हर लड़की के लिए बहन जी निकल जाता है। बस उसी चक्कर में मारे गए। अच्छा अंजुम जी, बहुत सारे लोगों का ऐसा मानना है कि आदमी का जब दिल टूटता है तो वो तब जाके शायर बनता है, तो ये तो होगी आदमियों की बात, जब महिला कोई शायर बनती है, कोई लड़की बनती है, उनका भी दिल टूटता है कि किसी का तोड़ने के बाद बनती है वो? वैसे तो मेरी जिंदगी का ये तजुर्बा है कि मर्द ही औरतों का दिल तोड़ता है, लड़का लड़की का दिल तोड़ता है। अच्छा जी। तो जिंदगी में इतना तजुर्बा हो गया तो मैं तो सोच रही हूँ कपिल शर्मा शो में हूँ तो आज मशवरा दे ही दूं। जी प्लीज। क्या बहुत जरूरत है? नहीं, इसमें महत्वपूर्ण बात यह है जी कि लड़कियों प्यार मत कर, मुझे तजुर्बा है बहुत। खुद तो तजुर्बा लिए बैठी नहीं। नहीं सही बात है, ये आप बिल्कुल बजा फरमा रहे हैं। तो सच बोलूं तो ये 25 साल पहले मुझे भी किसी ने मशवरा दिया था, लेकिन मैंने माना नहीं, मोहब्बत कर ली। अच्छा कुछ समय पहले ना लोग मुझे कहते थे कि तुम शादी क्यों नहीं कर रहे, मैं आज सच बताना चाहता हूँ, मेरी हो नहीं रही थी। मैं क्योंकि लड़की वाले पूछते थे करते क्या हो, मैं कहता हूँ बस कॉमेडी करते हैं, तो कहते हैं अच्छी बात है, हंसी मजाक करना चाहिए, काम वगैरह क्या करते हो? मैंने कहा यार ये काम ही नहीं समझते थे पहले। तो मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि कवियों की नॉर्मली हो जाती है शादी, कि आपको भी 3 साल का बैंक स्टेटमेंट मांगते हैं? नहीं होता। आपसे बुरी स्थिति होती है हमारी तो। अच्छा जी। हाँ आपके तो फिर भी हो गई। अच्छा। हमें क्या क्या करना पड़ा ये हम जानते हैं। अच्छा जी। मेरी सासू आज तक पूछती है, बोले मैं क्या बताऊं लोगों को आप क्या करते हो। अच्छा है। अच्छा मैंने कहा उनसे, मैंने कहा कह दो कवि है। बोले मैंने एक दो से कहा भी। अच्छा। वो ऐसे देखते हैं जैसे लड़की कुएं में गिर दी हो हमने। अच्छा प्रदीप जी आपसे एक सवाल है, ये जो शादी होती है कवियों में भी लव मैरिज होती है? साहब हमारी हो गई, यही बहुत बड़ी बात है। प्रदीप जी की मिसिज भी आई हुई ना यहाँ? हाँ, हाँ, बैठी है। जोरदार तालियां हो जाए उनकी मिसिज के लिए भी। बहुत बहुत स्वागत है मैम आपका। तो आज आपकी मिसेज भी सामने बैठी हुई है, एक आध कुछ हो जाए चौबे साहब। बीवी एक तो जीने नहीं देती जी, ऊपर से करवा चौथ रखती है, मरने भी नहीं देती। बहुत अच्छे जी। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। वाह वाह। मरने भी नहीं देती।
महान कवि आए हैं, शायरा आए, ओ माय गॉड यार, हृदय पुलकित हो गया, दिल बाग बाग हो गया आज यार, मजा आ गया। आज आप लोग यहाँ पर आए हैं, आपको देख के इतनी खुशी हो रही है, तीन लाइन हम भी पेश करेंगे। तीन लाइन चार, ऐसे चार लाइनें होती मतलब? नहीं नहीं, तीन मेहमान आए, तीन ही पेश करेंगे, एक आप पे हम वेस्ट क्यों करेंगे? अच्छा है, बहुत अच्छा है। देखिए पेश करते हैं तीन लाइनें आप लोगों के लिए। करें करें बिल्कुल। ये अभी लिखेंगे क्या? अर्ज किया है नहीं। पहली लाइन दूसरी लाइन ये तीसरी पेश कर दिया आपने। ओए पागल के बच्चे, कोई शेर बोल के कुछ कविता बोल के अर्ज करते हैं एजोड़ी यार, यू थिंक आई डोंट नो, हमको आता है यार। ये तो हम मजाक कर रहे थे सर, क्या माहौल बनता है मैम आपको पता है, थोड़ा क्या हंसी मजाक चलते रहना चाहिए, जोक्स बोक। शेर आता है हमें, अर्ज किया है कि लीची को हम आम करते हैं। लीची को हम आम, लीची को हम आम करते हैं, यादव बच्चा आज आपको प्रणाम करता है। कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, कल ही हमारी एक भैंसिया की पीयूसी हुई, आप तीनों को यहाँ देख के हमें बड़ी खुशी हुई है। वाह 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 वाह, क्या लानत है, लानत है। शायरी भी शर्मिंदा हो रही है। वाह वाह वाह, क्या बात है। और बता बच्चा सब कैसे हैं? 11 बच्चे एक बीवी 22 भैंसे हैं। बहुत अच्छे। आप बताइए कि भाई आप कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, तेरे बच्चे कैसे? भाई हमारे बच्चे तो अच्छे में हैं, आधे डायपर आधे कच्चे में। कपिल जी, जी इन्हें देख के मुझे प्रदीप भाई साहब की जवानी याद आ रही है। अरे इन्हें लेकिन सुन के हमें नहीं लगता इनकी जवानी कहीं गई भी है। भाई क्या बात, क्या बात है, वाह बच्चा आज तू बड़ा कवि अंदाज में बातें कर रहा है। क्या करें यार, ऐसी शायरा आई हुई हैं, ऐसे कवि आए हुए हैं, आज तो ऐसा हो रहा है कि आज हेलो भी बोल रहे हैं तो प्रणाम निकल रहा है। वाह हम सर बोल रहे हैं तो महोदय निकल रहा है। क्या बात है। खैर वो अलग बात है कि हम इन्हें मैम कह रहे हैं तो बीड़ू निकल रहा है। वैसे आप लोग क्या लेंगे, चाय या काफिया? काफिया का जवाब। वाह वाह वाह, गुस्ताखी के लिए माफिया। अरे ये यार मिला दिया यार, जो बोल रहा है राइमिंग में निकल रहा है यार, क्या करें। कहीं आज शाम तक हम खुद भी कवि ना बन जाए यार, और ज्ञानपीठ पुरस्कार हमें ही ना मिल जाए। बच्चा ज्ञानपीठ का मुझे पता नहीं, कोई तेरी पीठ पे ना पुरस्कार दे जाए कहीं। कपिल शर्मा एक हिंदी में जब सेंटेंस खत्म होता है तो वो एंड में क्या लगाते हैं? पूर्ण विराम। तो लगाइए ना। बच्चा मजाक कर रहे तू? नहीं नहीं सर, देखिए इस बात में सच्चाई है, आप माने या ना माने, आपको भी पता है कपूर शर्मा। हाँ। मैम आपको बता रहे हैं, 3 साल से ये कोशिश कर रहे हैं कि प्रदीप जी अरुण जी यहाँ पर आए। हाँ। लेकिन 3 साल से नहीं आ रहे हैं, जैसे ही इन्हें पता चला कि यहाँ पे अर्चना जी आ गई हैं। यस। तुरंत 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 दौड़े चले आए। खैर वैसे आपसे एक बात पूछना चाह रहे थे। जी पूछे। आप ये जो शेरो शायरी करते हैं इतना, मतलब हमने ज्यादातर देखा है जब शेर पढ़ा जाता है, आप लोग कहते हैं कि मिश्रा पेश कर रहे हैं, लेकिन आप लोग हमेशा मिश्रा ही क्यों पेश करते हैं? कभी मतलब पांडे दुबे चौबे चौरसिया, कभी कभी यादव भी पेश कर दीजिए। हाँ तूने किए ना 11 यादव पेश, और कितने करने चाहता तू? तो आप भी कीजिए यार, जलते क्यों आए हैं? सही बात है, हिम्मत है तो बराबरी करो दोस्त। ओपन चैलेंज। बहुत अच्छे। वैसे आप लोग आए हैं तो हम भी एक शेर पेश करना चाहेंगे। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं। वाह। जुबान बंद होती है तो आंखें बोलती हैं, आंखें बंद होती हैं तो धड़कने बोलती हैं, धड़कने बंद होती हैं तो सांसें बोलती हैं। वाह वाह वाह। और जब सांसें बंद होती हैं तो डॉक्टर बोलता है, आई एम सॉरी ही इज नो मोर। अर्ज किया, खिड़की से देखा
तो सड़क पे कोई नहीं था, सड़क पे जाके देखा तो खिड़की में कोई नहीं था। क्या पेश किया, वाह जी वाह। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।